नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ देश विदेश की ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के जमानत याचिका पर सीबीआई ईडी से मांगा जवाब। बता दें, अबकारी नीति घोटाले के संबंध में उनकी जमानत कर दी गई थी खारिज। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले को लेकर 3 लाख डॉक्टर बैठे हड़ताल पर। सीएम ममता बनर्जी बोली, 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़, 7 कांवड़ियों की हुई मौत, हादसे में सैकड़ों लोग हुए घायल। सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान, कहा खतरनाक कटु जहरीले विश्व संघ आदमी पीएम नहीं बन सकते तो देश नष्ट कर देंगे। वहीं बात करें विदेशी खबरों की तो रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया, 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कनाडा में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, ईसाई यहूदी भी दे रहे समर्थन। बात करें आज सोने चांदी के भाव की तो सोना चांदी की कीमतों में आज तेजी रही। गोल्ड 66 बढ़कर 69,729 पर पहुंचा तो चांदी 80,336 प्रति रुपए किलो बिकी। इंडेनवर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के 8 शेयर गिरे, सेंसेक्स में 150 अंक की गिरावट, बाजार पर ज्यादा असर नहीं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव परिणाम में हाफ पर रही चिंतित भाजपा, इस बार विधानसभा चुनाव में जहां कार्यकर्ताओं की राय से टिकट देने की तैयारी कर रही है, वहीं भीतर घाट को रोकने के लिए टिकट के दावेदार को भी भरोसे में लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इसके लिए हर जिले में पार्टी ने दो दो बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। वहीं इसी कड़ी में करनाल जिले के घरोंडा, नीलीखेड़ी, अकसंग व इंद्री सभी 500 विधानसभा सीटों पर रायशुमारी के लिए प्रदेश महामंत्री कृष्णलाल वेदी और भिवानी के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर सिंह डुपड की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, यानी कार्यकर्ताओं का पक्ष जानेंगे कि आखिर वह किसे टिकट का वास्तविक दावेदार मानते हैं या फिर वह किसे टिकट दिलाना चाहते हैं। बताते चले कि करनाल से सीएम नायब सिंह सैनी के फिर से चुनाव लड़ने की संभावना है, इसीलिए सीट पर दावेदार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल तक भाजपा सरकार चुप बैठी थी, अब चुनाव के समय घोषणाएं करने में लगी है जो पूरी होने वाली नहीं है। साथ ही कहा कि गुरु चेला की सरकार को जनता पहचान चुकी है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। दरअसल हुड्डा ने धर्म सिंह छोकर के जीटी रोड स्थित आवास पर प्रेसवार्ता के दौरान ये बात कही है, जहां हुड्डा ने कहा कि उनके दादा और पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और जनता की सेवा करने की प्रेरणा उन्हें विरासत में मिली है और उनका बेटा जनता की सेवा कर रहा है, इसमें बाप बेटे की पार्टी होने की बात कहां से आई। उन्होंने कहा कि विगत 9 सालों में प्रदेश नंबर 1 से फिसल कर बगैर नंबर पर हो गया है। प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध, महंगाई बढ़ी है, व्यापारी सहित हर वर्ग के लोग सरकार से तंग है और इस बार भारी बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने हमेशा चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया है, इस बार भी जो वायदा होगा उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता अपने अलग अलग कारों से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, सभी का उद्देश्य पार्टी को जिताना है। वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे, इसके लिए हरियाणा के लोग मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल और अस्पताल के लिए उनकी पार्टी को मौका दें। दरअसल हिसार की नई अनाज मंडी में हलके के लोगों को संबोधित कर रही सुनीता केजरीवाल ने ये बात कही है, साथ ही कहा कि आप पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार ने लोगों को दी गारंटियों को पूरा किया है, आप सरकार आपको भी मुफ्त व 24 घंटे बिजली,
अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य हर युवा को रोजगार, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देगी। स्मिता केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं दिया है, इसीलिए इस बार के चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, हिसार के ही बेटे हैं और जब मेरी शादी हुई थी मैं भी यहीं आई थी, हिसार मेरा ससुराल है। स्मिता केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी ने जनता के लिए काम नहीं किए हैं, किसी पार्टी ने स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं किए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत राज्य में चल रही सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा सुर्खियां बटोर रही है। वहीं कांग्रेस की राज्य स्तरीय चुनाव रणनीतिक कमेटी की बैठक में जहां इन पदयात्राओं का सिलसिला तेज करने पर सहमति बनी है, वहीं भाजपा द्वारा प्रदेश की जनता से किए जा रहे वादों की पोल खुलने का भी निर्णय हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिक कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने रविवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्राओं का अलग शेड्यूल घोषित किया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां पंचकुला फरीदाबाद करनाल में आयोजित 3 राज्य स्तरीय सम्मेलनों में भागीदारी करेंगे, जबकि दीपेंद्र हुड्डा पदयात्राओं को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल सांसद दीपेंद्र अभी तक राज्य के 30 विधानसभा क्षेत्रों को पदयात्राओं के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वहीं इन पदयात्राओं की खास बात यह है कि वे लोगों व कार्यकर्ताओं के साथ अपना सीधे कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, जहां बरसात में भी दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा का सिलसिला नहीं थाम रहे हैं। आज हरियाणा के कई जिलों में नागरिक अस्पताल में 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों ने मुंडन कराकर रोष जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। धरने पर बैठी महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द ही सरकार ने मांगी गई मांगे पूरी नहीं की तो महिलाएं भी मुंडन करवा सकती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि साल 2021 में मुख्यमंत्री ने मांगों को लेकर मंजूरी दी थी, 7वें वेतन आयोग का लाभ NHM कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में उसे उच्च अधिकारियों से बात पर किस तरह से विश्वास किया जाए। सोमवार को प्रदेश में NHM कर्मचारियों के द्वारा मुंडन करवाया जा रहा है। बताते चले कि पूरे प्रदेश में 17,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।